हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का दूसरा लेक्चर, जिसमें कि हम लोग एक टेबल जो कि एनसीईआरटी दिया है उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो एनिमल किंगडम जो है ना, इसका जितने भी ग्रुप्स है सब क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है? एनिमल किंगडम का जितने भी ग्रुप्स है सब मल्टी सेलुलर होता है, और इसमें डिवाइड किया गया कुछ फाइलम में किसके आधार पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, सिमेट्री के आधार पे, सीलोम यानी कि कैविटी, बॉडी कैविटी के आधार पे, सेगमेंटेशन के आधार पे, नोटोकोड के आधार पे, बॉडी प्लान, इन सब के आधार पे इसे कुछ फाइलम में डिवाइड किया गया, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और कौन कौन सा फाइलम है, तो पोरीफेरा है, सेलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया है, टीनोफोरा है, प्लेटी हेलमिंथीज है, स्केल हेलमिंथीज है, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। तो अब इन सब को देखते हैं इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कौन सा सिमेट्री होता है, कैसा सिलोम है, तो ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा में ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स है, ठीक है? तो इसलिए इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें ना ही तो टिशू होगा, ना ऑर्गन, ना ऑर्गन सिस्टम, सिर्फ सेल्स देखने को मिलेगा, ठीक है? इसीलिए इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? अगर सिमेट्री की बात किया जाए तो इसमें सिमेट्री का तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, और कुछ में रेडियल सिमेट्री भी देखने को मिलता है, ठीक है? और एसेलोमेट होता है यानी बॉडी कैविटी इसमें होता ही नहीं, ऑब्सेंट होता है। अब देखते हैं सेलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इन दोनों को एक साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है? सेलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये रेडियल सिमेट्री शो करता है, और इसमें भी सिलोम नहीं होता, इसलिए इसे ए सिलोमेट कहते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसमें टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वन मानते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पे वन कर देते हैं, ऐसे याद करने में आसान होगा। आप लोग भी इस तरह से एनसीईआरटी में लिख इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? अब क्या देखते हैं, अब प्लेटी हेलमिंथीज की देखते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज में क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दो मान लेते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथीज को यहाँ पे दो कर देते हैं, ठीक है? तो प्लेटी हेलमिंथीज में कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और इसमें अगर बात किया जाए सिमेट्री की तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। कैसा होता है, बायलेटरल सिमेट्री। और सिलोम की बात किया जाए यानी बॉडी कैविटी की, तो ये भी एसिलोमेट होता है, इसमें भी कैविटी नहीं होता है, ठीक है? तो प्लेटी हेलमिंथीज क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, और क्या होता है, एसिलोमेट होता है। और बायलेटरल सिमेट्री फर्स्ट बार कहाँ देखने को मिला, प्लेटी हेलमिंथीज में, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट बार बायलेटरल सिमेट्री देखने को कहाँ मिलता है, प्लेटी हेलमिंथीज में, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्लेटी हेलमिंथीज में ही देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं स्केल हेलमिंथीज टू कोडाटा एक साथ देखते हैं, और इस सब में क्या होता है, स्केल हेलमिंथीज टू कोडाटा, यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को तीन मानते हैं, तो इस तीनों में इस सब में क्या होता है, तीन लगा दें, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, स्केल हेलमिंथीज टू कोडाटा यहाँ तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे और स्केल हेलमिंथीज हो गया एनलीडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा, इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके सिमेट्री की बात किया जाए तो सब में बायलेटरल सिमेट्री होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन आया था इकाइनोडर्माटा के केस में। इकाइनोडर्माटा में होता क्या ना, जो एडल्ट जो है ना, एडल्ट इकाइनोडर्माटा, देखो इकाइनोडर्माटा है, इसका जो एडल्ट होता है ना, ये क्या शो करता है, एडल्ट वाला शो करता है रेडियल सिमेट्री, ठीक है? और इसका जो लार्वा जो होता है ना, लार्वा, वो शो कर देता है बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है? तो ये बातें याद रखिए, एडल्ट वाला क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री, और लार्वा जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है इकाइनोडर्माटा में, ठीक है? तो इकाइनोडर्माटा में एक एक्सेप्शन है जो कि याद रखिएगा। और सिमेट्री की बात की जाए, सिमेट्री के बाद देखते हैं तो सिलोम, इन सब में क्या होता है ना, यानी स्केल हेलमिंथीज में ये स्यूडो सिलोम होता है, ठीक है? फॉल्स सिलोम। सिलोम जो कैविटीज होता है ना उसमें मीजोडर्म जो होता है कुछ पाउचेज के रूप में होता है, ठीक है? इसलिए इसे स्यूडो सिलोमेट बोलते हैं। अगर आप लोगों को सिलोम और से सिलोम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री है, ये सब अगर समझ नहीं आया तो फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल ही अच्छी तरह से एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसे जाके देखिए पूरा, और वो सब पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा, इस सब में ट्रू सिलोम पाया जाता है, जिसे सेलोमेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो इस सब में कैसा सिलोम पाया जाता है, ट्रू सिलोम, जिसे सेलोमेट बोलते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, और ये जो फाइलम जो दिया हुआ है ना, फाइलम, इस फाइलम को आप लोग एकदम सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है? ये फाइलम यहाँ से यहाँ तक एकदम सीक्वेंस में याद रखेगा, और सीक्वेंस में याद रहेगा ना तो एग्जांपल्स याद करने में एकदम आसानी होगी, ठीक है? आगे जो एग्जांपल्स आएंगे उसमें याद करने में काफ़ी आसानी होगी। सबसे पहला क्या होता है, पोरीफेरा, फिर सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, स्केल हेलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। तो ये सब एक सीक्वेंस में याद कीजिएगा आप लोग, नहीं याद होगा तो लिख लिख के दो बार, चार बार, दस बार, पंद्रह बार, बीस बार
ऐसे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। कल हम लोग पढ़ेंगे फाइलम स्टार्ट करेंगे कौन सा, पोरीफेरा, जिसका कॉमन नेम है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज यानी कि पोरीफेरा कल पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।